मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मैं राजेंद्र जोधपुरिया आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ओसीडी वाले पैर धोना भूल जाते हैं, पैर कैसे धोना है आज के इस वीडियो में आप जान लीजिएगा। एक खुशखबरी है, आप भगवत गीता थेरेपी के द्वारा ओसीडी का डिप्रेशन का ऑफलाइन इलाज ले सकते हैं भगवत गीता थेरेपी के माध्यम से, और ये 7 दिवसीय ऑफलाइन वर्कशॉप रहेगी सिरसा हरियाणा में, और तारीख रहेगी 16 से 22 दिसंबर। ये अंतिम और पहला अवसर मुझसे मिलने का, ऑफलाइन इलाज लेने का, चूक मत जाइएगा। आइए पहले ये जान लेते हैं कि ओसीडी वाले पैर कैसे धोते हैं, कैसे पानी गिराते हैं। एक शॉर्ट क्लिप देखिएगा कि ओसीडी वाले पैर कैसे धोते हैं, और फिर मैं पैरों पर मिट्टी लगा करके धो करके दिखाऊंगा कि असली में पैर धोना ये होता है। पहले ये क्लिप देखिए। इस क्लिप में आपने देखा कि ओसीडी वाले कैसे पैर धोते हैं। अब पैर धोने का सही तरीका जान लीजिएगा। अब मैं पहले पैरों को मिट्टी में, ये देखिए गोबर भी है, ये देखिए गोबर, ये देखिए मैं गोबर के अंदर चल रहा हूं, ये देखिए पानी है, और ये गोबर का पानी है, ये पशुओं का मूत्र है, ये देखिए पशुओं का मूत्र है, और इसमें मैंने पैर पूरे दबा दिए हैं। अब और देखिए, मैं देखिए ये जा रहा हूं, हाँ ये देखिए मैं चल रहा हूं, पानी के अंदर चल रहा हूं, और ये देखिए गोबर का पानी है, काफी नीचे तक मेरे पैर इस पानी में धस गए हैं। मैं पजामे को ऊपर किया हुआ हूं क्योंकि पजामा भीग सकता है, इसलिए मैंने ऊपर कर लिया है। अब देखिए मैं पानी के अंदर खड़ा हूं और मेरे पैर पूरी तरह से मिट्टी से, पानी से भीग गए हैं, और ये मैं गेहूं के अंदर भी चल रहा हूं, यहां मिट्टी है, ये देखिए मिट्टी के अंदर, ये देखिए पानी, मिट्टी से मैंने पैर पूरे आपकी भाषा में गंदे कर लिए हैं, लेकिन मुझे कोई गंदगी फील ही नहीं हो रही है। तो देखिए, अब देखिए मैं वापस जा रहा हूं और पैर धो करके आपको दिखाऊंगा, आपने देखना है। अभी मैं जूते भी पहन लूंगा, ये मेरे पास चप्पलें हैं, मैंने चप्पलें पहन ली है, और यही चप्पलें पहन के मैं पैर धोने जा रहा हूं। तो अब देखिएगा कि मैं पैर धोने जा रहा हूं। अब मैं पानी की टूंटी के पास जा रहा हूं, अब मैं स्नान घर के अंदर आ रहा हूं पैर धोने के लिए। अब मैं ये टूटी चला रहा हूं, और ये मैंने टूटी चला दी। अब देखिए कुछ ही सेकंडों में मैं पैर धो लूंगा, ये मेरा चप्पल है, ये धुल गया है, और ये पैर भी धुल गया। देखिए एडियों पर थोड़ा सा कीचड़ लगा हुआ था, वो भी उतर चुका है, एक पैर धुल गया, अब दूसरे की बारी है। अब देखिए दूसरा भी धुल गया कुछ सेकंडों में, और ये चप्पल, चप्पल को भी मैंने धो लिया,
तो ये देखिए मेरे पैर धुल गए। अब मैं लास्ट बार वैसे ही पानी गिरा रहा हूं, बस नो टेंशन, बस हाथ और पैर मेरे पूरी तरह से धुले हुए हैं। ये देखिए मेरे पैर बिल्कुल साफ है। देखिए मैं इन्हीं पैरों को लेकर के बेड के ऊपर जा रहा हूं। अब देखिए मैं अपने, अब देखिए मैं ऑफिस में जा रहा हूं और इन्हीं पैरों से मैं वहां पर बैठ जाऊंगा। ये देखिए इन्हीं पैरों से मैं वहां पर बैठने वाला हूं। ये देखिए अब मैं ऑफिस के अंदर आ रहा हूं, मैंने दरवाजा बंद किया और मैं यहां पर आराम से बैठ गया। ये देखिए चादरों पर भी मैंने पैर लगा लिए। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए आराम से, आराम से। ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा सराहना है, मैंने इसको भी पैरों से लगा लिया। मुझे कहीं पर भी कोई गंदगी महसूस नहीं हो रही। तो असली पैर धोने की विधि मैंने इस वीडियो में बताई और पैर धोने के बाद ऐसे आपने बिस्तर पर बैठ जाना है। तो ये प्रयोग आपने 7 दिनों तक करना है। 7 दिनों के बाद मुझे बताइएगा कि आप में क्या अंतर आया। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।